जस्ट अभी कुछ ही देर पहले राउंड टू हेल के वसीम अपनी ऑडियंस के साथ में लाइव जुड़े, जहां पर उन्होंने उनके ऊपर क्या गुजरी वो सब कुछ कहा, किस किस तरीके से मैंने 16 दिन जेल के अंदर गुजारे, किस तरह से मेरी फैमिली ने गुजारे, जरा सुने आप भी। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? हेलो भाई लोग, सभी को हेलो और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोगों, जितनों भाई लोगों ने भी सपोर्ट किया और प्यार दिखाया अपना, और जितने भाई लोगों ने मेरे लिए दुआ की उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई लोग, और जितने भी यूट्यूबर्स हैं और वो हमारे सपोर्ट में आए उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई लोग। गाइस, आज लाइव आने का यही कारण है कि मैं बहुत ज़्यादा उन परिस्थितियों में चला गया था कि शायद मैं दोबारा सोशल मीडिया पर कदम नहीं रखता, पर कुछ दोस्तों ने समझाया और समझाने के बाद मैंने हिम्मत बांधी और आज मैं लाइव आ गया हूँ कि पूरी घटना के बारे में आप लोगों को बताऊँ कि क्या क्या हुआ मेरे साथ और कैसे कैसे हुआ, क्यों? क्योंकि आप लोगों से ही हम हैं और आप लोगों के लिए ही हैं जो भी हैं। तो गाइस, बात ऐसी है कि 17 तारीख को वीडियो एक ट्विटर पे ट्रेंड करती है और उत्तर प्रदेश पुलिस को वो टैग किए जाते हैं और उसके तुरंत बाद पुलिस मुझे बात करने के लिए बुलाती है कि आइए, आपकी कोई वीडियो है जिस पर लोग आपत्ति उठा रहे हैं और इसको जो है इस सिलसिले में हमें आपसे बात करनी है। मैं चला जाता हूं और जाने के बाद मुझसे बात कर रहे होते हैं और एक साइड मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा होता है। मुझे बात करने के लिए बुलाया गया और हाथों हाथ मुकदमा दर्ज कर मुझे मुश्किल से 1.5 घंटे के अंदर अंदर जेल के अंदर फेंक दिया जाता है। ये तक मुझसे नहीं पूछा जाता है कि भाई कि क्या बात है, क्या मसला है, क्या चीज़ें हैं, बस उठाकर फेंक दिया जाता है। और जेल तो आपको मालूम ही है जेल कैसी होती है, और जिन भाई लोगों को नहीं मालूम मैं उनको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो नहीं हैं जेल में और बहुत से लोग हैं जो जेल में हैं, कि एक वर्ड में बात कहूँगा कि जेल कोई ना जाए, जो अपना दुश्मन होता है ना वो भी ना जाए। क्यों? क्योंकि एक तरीके से वो जो है मतलब ज़िंदगी ख़त्म कर देती है, वहाँ पर एक दिन भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते कि कितनी परिस्थितियाँ, कितनी चीज़ें हैं जो इंसान के साथ वहाँ पर आती हैं। यहाँ पर तो एक दोस्त है और घर वाले हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, आपको संभाल लेते हैं, पर वहाँ पर कोई संभालता नहीं है आपको, वहाँ सिर्फ आपको काम करने के लिए बोला जाता है, आपको गालियाँ बकी जाती हैं, आपको मारा जाता है। वो सिर्फ जेल है, उसी का नाम जेल है। चलो जैसे भी था गाइस, हमें फेंक दिया जाता है 1.5 घंटे के अंदर अंदर, और वहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपसे ये तक जवाब नहीं लिया जाता कि आप क्यों किया ये चीज़, पूछा भी नहीं जाता, बस उठाओ और फेंक दो। और जिन लोगों का दिल दुखा है और जिन लोगों को लगा कि ये चीज़ गलत है, तो मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो वीडियो होती हैं
वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई जाती है, ना कि किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। हम डिस्क्लेमर भी डालते हैं और हम इन चीज़ों को बहुत बारीकी से चीज़ को एनालाइज कर कर हर एक वीडियो अपलोड की जाती है। पर जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है, लाखों वर्ड्स उसमें ऐसे होते हैं कि कोई ना कोई वर्ड छूट जाता है, आप उसको नहीं सोच सकते कि आप कोई भी लोग कैसे उस वर्ड को धर्म से जोड़ दें। आप कितना भी अच्छा करके सोचो, कितना भी उसको सुधार लो, निखार लो, पर जिन लोगों को धर्म से जोड़ना है वो लोग जोड़ेंगे ही, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो बहरहाल दरअसल बात कहने की यही है कि लोगों के लिए हम एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि कहाँ किसकी धार्मिक भावनाएं को ठेस पहुंच जाए। तो हमने पहले तो स्टोरी डाल दी थी कि हम माफ़ी चाहते हैं और सब चीज़, फिर पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने भी हमारे साथ यही किया कि पुलिस ने भी एक वीडियो बनवाई और अपलोड करा दी अपने जो भी ट्विटर वगैरह हैंडल है और जो न्यूज़ चैनल थे और उनको भी दे दी गई। वही काम हमने पहले कर दिया, वही काम उन्होंने करा, बस बात यह हुआ कि 16 दिन की जेल हमें काटनी पड़ी। तो हम गलती कर 16 दिन की जेल नहीं काटते, ये तो हमें भी अकल है और हम भी इस चीज़ का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं। पर कुछ लोग हैं जो आदमी सक्सेसफुल होता है उसके पीछे हाथ धोकर पड़ जाते हैं कि भाई ये आदमी सक्सेसफुल क्यों हो रहा है ये आदमी सक्सेसफुल, कि ये आदमी हमारे कभी पैरों के नीचे रहा करता था, कि हमारे बैग उठाता था, क्यों सक्सेसफुल हो रहा है। बहुत से जेल में रहने के बाद बहुत से लोगों के बारे में मुझे बातें सुनने को तो नहीं कहूँगा, मैंने खुद उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को समझा है कि आपके परिवार के सिवा आपके साथ कोई नहीं होता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही आपको पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है या कौन नहीं खड़ा है। क्योंकि हर कोई वहां जाने से डरता है जिसका नाम जेल है। क्योंकि हम जेल जाएंगे तो हमारी जो रेपुटेशन है, हमारी जो रेस्पेक्ट है, वो खराब हो जाएगी। पर कोई नहीं, जिसके नसीब में लिखी होती है वही जाता है। तो जेल तो जेल है और जेल किसी को ना भेजे, दुश्मन को भी जेल ना भेजे। तो बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाई आ गए तो आ, तो मैं 2 तारीख को ही गया था, पर सोशल मीडिया पर मैं अभी तक एक्टिव नहीं था, काफ़ी डिप्रेशन में पहुंच गया था, घर से भी मैं बहुत ही कम निकला हूं और बहुत चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि भाई क्या है क्या नहीं है। फिर घर वालों ने समझाया और जो मेरी बेल कराने में लगे हुए थे लोग, उन्होंने मुझे समझाया कि वसीम भाई अब आप बाहर आ गए हो तो अपने सोशल मीडिया पर जाओ और एक्टिव हो, थोड़ा सारा लोगों से घुलो मिलो तो सब चीज़ ठीक हो जाएगी। अगर आप ऐसे ही घर में बंद रहोगे और किसी से मिलोगे नहीं तो शायद ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो मैंने कहा कि चलो मैं आऊँगा। उस चीज़ को होते होते 15 दिन निकल गए, फिर मैंने आज हिम्मत बांधी और मैंने कहा चलो आज आप लोगों को जो मेरे पर बीती है वो मैं आज बताता हूँ। तो गाइज़ वहाँ जाकर कुछ लोग
बहुत अच्छे बहुत भले लोग मिल गए थे जिससे कि मुझे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करने को नहीं मिला जेल के अंदर। और सभी भाई लोगों ने बड़ा प्यार दिया और बड़ा सपोर्ट करा और बहुत ध्यान रखा मेरा जेल के अंदर कि किसी वजह से कोई परेशानी ना हो मुझे। पर वहाँ पर एक एक रात एक एक दिन ऐसा कट रहा था कि जैसे कि एक दिन एक महीने के बराबर, कि मैं जानता हूँ वो 16 दिन मैंने कैसे काटे। उस बीच मेरी दादी का भी इंतकाल हो गया। मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा धक्का लगा कि मेरी दादी बेड पे थी और मैं उनको एक नज़र देख भी नहीं पाया। पर जो किस्मत में लिखा है उससे कोई जीत नहीं सकता। बहुत अपने आप को संभाला, बहुत चीज़ों का सामना किया, बस नहीं जानता। और कुछ लोग यही उसमें लगे थे कि किसी भी तरह बेल ना हो, किसी भी सिचुएशन में बेल नहीं होनी चाहिए। ये आलम है कि अगर आज मैं आपके साथ आपके सामने रूबरू हूँ तो आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने जितना सपोर्ट किया है उसकी बदौलत है और ऊपर वाले का करम है। नहीं तो मैं आज तो आपके सामने रूबरू नहीं होता। कम से कम एक साल मुझे लग जाता बाहर आने में, पर आप लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इतनी चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं पाऊँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि कभी किसी के साथ ऐसी परिस्थितियाँ खड़ी हो जाएं तो जो करीब के लोग होते हैं और जो पास के लोग होते हैं उनको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, ना कि दूर भागना। दूर भागकर भी कुछ नहीं होगा, पास रहोगे तो शायद कुछ हो जाए। दूर रहकर मुझे तो लगता नहीं कि कोई फायदा होगा। हमेशा दूर भागने वाले, मतलब कि जब बुरा टाइम आता है किसी का तो जब दूर भागते हैं तो जब उनका बुरा टाइम आता है तो वो हमसे ये नहीं कह सकते कि भाई वसीम मेरी हेल्प कर, क्यों? क्योंकि जो आदमी जिस आदमी के बुरे वक्त में खड़ा होता है वही आदमी उसके बुरे वक्त में खड़ा होता है। हर चीज़ों हर तरीके से ऐसा टूटा कि कभी सोचा नहीं था कि लाइफ में इतने उतार चढ़ाव आ जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इस 16 दिन की जेल में। और क्या ही कहूँ, किसी ने तो चाहा कि मैं जेल से बाहर ना निकलूँ, किसी ने चाहा कि मैं जेल से एक दिन में बाहर निकल आऊँ, पर जिसने मेरे लिए बुरा चाहा उनका भी शुक्रिया और जिन्होंने मुझे अच्छा चाहा मेरे बारे में उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो सपोर्ट और प्यार आप लोगों का बना है और जो हमने कमाया है। और बहुत 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 शुक्रिया भाई लोगों कि आपने इतना प्यार और सपोर्ट हमें जो है दिया है और इज्जत बख्शी है उस खुदा ने, उसी के बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ और आपसे रूबरू हो रहा हूँ। बस आज से थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में
चेंज लाने की कोशिश करेंगे, लोगों को जानने की कोशिश करेंगे, लोगों पे एकदम विश्वास करने की गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये आज हम अपने आप से वादा करते हैं कि बहुत कुछ सिखा दिया इन 16 दिनों ने, 16 दिन में इस जिंदगी ने, कि कोई किसी का नहीं, पर मेहनत हमेशा बरकरार रहेगी और मेहनत से हम पीछे नहीं हटते हैं और मेहनत कर कर यहाँ तक आए हैं और मेहनत कर कर इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। और जो भाई लोग का दिल दुखा है उस चीज़ से, तो मैं उन सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि भाई हमारा जो YouTube चैनल है वो सिर्फ़ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है, ना कि किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए। ना आज तक आपने हमारे मुंह से सुना होगा, ना हमारे स्टोरियों से देखा होगा। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑडियंस है वो हर तरीके की कमाई है, ना कि एक ही मज़हब की कमाई है। हमने हिंदू भी कमाए हैं, हमने मुस्लिम भी कमाए हैं, हमने सिख भी कमाए हैं, हमने ईसाई भी कमाए हैं, हमने पूरे भारत में जितने भी लोग जिस चीज़ से जाने जाते हैं, हमने उन सभी को कमाया है और सभी के दिल में हम बसे हैं। सभी लोग हमें देखते हैं और सभी लोग हमें प्यार करते हैं। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हम मुस्लिम हैं तो सिर्फ मुस्लिम को मानेंगे कि हम मुस्लिम हमें सपोर्ट करते हैं, नहीं, हमें सब लोग सपोर्ट करते हैं जब भी आज हम इस मुकाम पर हैं। ना कि एक कम्युनिटी से बिलोंग करने का मतलब ये नहीं होता है कि भाई अगर हम ये मुस्लिम हैं तो सारी कम्युनिटी को गलत कह दें या सारी कम्युनिटी को बुरा बताने लगें। हम सिर्फ और सिर्फ सारी कम्युनिटी को लेकर साथ लेकर चलते हैं और सारी कम्युनिटी हमें देखती है और सारी कम्युनिटी हमें सपोर्ट करती है। ये तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं ना, सक्सेसफुल के पीछे अगर 10 लोग प्यार करने वाले हैं तो 20 लोग टांग खींचने वाले हैं, तो वही लोग हैं। गलत गलत चीज़ें लोगों के दिमाग में भर देते हैं और ट्रेंड कराने शुरू कर देते हैं। पर अच्छी बात है कि आपने ये चीज़ हमारे सामने लाए और हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई ठीक है, आगे से और ज़्यादा बारीकी से हम इस चीज़ को देखेंगे और समझेंगे और काम करेंगे। पर हमारा किसी भी कम्युनिटी को हर्ट करने का कोई वो नहीं है कि भाई हमने सारी कम्युनिटी कमाई है तो सारी कम्युनिटी हमारी हैं, हम उनके हैं। ये नहीं है कि भाई एक कम्युनिटी को पकड़ लो और गलत सलत कहना शुरू कर दो। हम यार, हमें सब लोग देखते हैं, हिंदू भी देखते हैं, मुस्लिम भी देखते हैं, सिख भी देखते हैं, मतलब भारत की जितनी भी कम्युनिटी हैं वो सारी हमें देखती हैं, देखती हैं या नहीं देखती। तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि हम किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे? हम सिर्फ यार अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेनमेंट रखने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं। हम यार ये करने के लिए थोड़ी आए थे, मगर लोगों ने हमें इस चीज़ में घोष दिया, जबकि कोई चीज़ हम करते नहीं हैं मगर लोग बाग घूस देते हैं, जबरदस्ती घूस देते हैं। हर तरीके से हर समस्या का समाधान हो सकता था। अब जिन्होंने ट्वीट किए थे उनसे सुनने में आया, हमारे जो टीम के बंदे हैं उन्होंने बात की, तो वो कह रहे यार हम तो खुद राउंड 12 के फैन हैं, मतलब पहले आप ट्वीट करके आग लगा दो फिर उसके बाद आप ये कह दो कि भाई
हम तो यार राउंड 12 के फैन हैं, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं। मैं कह रहा हम जेल चले गए 16 दिन के लिए, हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं। ये अच्छा नहीं लगता। अगर सपोर्ट कर रहे हो तो सपोर्ट पूरे दिल से करो। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो हमसे कहो, हम उस पर एक्शन लेंगे, हम लेंगे ना एक्शन। क्या हुआ, पुलिस ने भी माफी मंगवाई, हमने भी माफी मांगी। अगर आप हमसे खुद कहेंगे कि वसीम भाई ये चीज़ अच्छी नहीं थी और ये गलत है और ये चीज़ हमें दोबारा से नहीं देखनी है, तो आपको देखने को मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम, आप लोगों ने हमें उठाया है तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये आपने कैसे सोच लिया? ये तो एक बोलते ना कि लोग जब तक कहेंगे नहीं, कहेंगे तो ऐसे कहेंगे कि भाई साला जेल होनी चाहिए इनको, इनका यूट्यूब चैनल डिलीट करा दो, इनका वो करा दो, इनका फलाना करा दो, इनका ढिमका करा दो। अरे पहले सामने बैठकर बात तो करो, क्या पता कोई और तरीका निकला है, या फिर सारी समस्याओं का समाधान यही है कि भाई फांसी में लटका दो, कुछ बोल रहा है फांसी पे लटका दो, तो फिर ये देश ही नहीं रहेगा भाई लोग। हर किसी को आजकल तुम फांसियों पे लटकाने लगे तो फिर ये देश कब बचेगा? थोड़ा सारा जहन में और दिलों में नरमी लानी पड़ेगी, थोड़ा अपने आप को समझना पड़ेगा, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। मेरे आपको तो मजा आ गया कि भाई हमने साले को जेल भेज दिया, बहन जो बहुत उड़ते थे, बहुत ये करते थे, बहुत वो करते थे, पर आपको ये नहीं पता कि मेरी फैमिली ने 16 दिन मेरे घर पर, बोलते ना चूल्हा नहीं जलता है, वो 16 दिन मेरे घर पर चूल्हा नहीं जला है। मेरी दादी का इंतकाल हो गया, मैं 16 दिन से जेल में था, मेरे घर का क्या हाल होगा? कभी उस चीज पे आपने गौर किया? नहीं किया होगा, क्यों? क्योंकि आपको तो मजा आ रहा था ना, आपको तो हर जगह से न्यूज सुनने को मिल रही थी, अरे साले को जेल भेज दिया, अरे मजा आ गया जेल में पड़ा साला। यार किसी को इतना भी डिप्रेशन में मत ढकेलो कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। उसकी तो होगी होगी, पर मेरी भी हो जाए, मेरे परिवार की भी हो जाए। पर कोई नहीं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तो कोशिश करेंगे कि आगे से कोई ऐसी चीज़ें आपको देखने को ना मिले, और पूरी दिल और प्यार से और मोहब्बत से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। बस यही कहूँगा कि जो सहा मैंने सहा, मेरे घर वालों ने सहा, पर पहले उस चीज़ को समझ लो, फिर उसके बाद जो आपको ठीक लगे वो करो। पहले एक बार सोच लो, समझ लो कि भाई किसी की ज़िंदगी तो ख़राब नहीं हो रही। सो गाइस, आज का थोड़ा सारा ज़्यादा हो गया हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, पर जो भी बोला है, जो मेरी फैमिली के साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, उसके चलते अगर कुछ गलत सलत निकल गया हो मुँह से, तो माफ़ी चाहूँगा दोबारा से। क्यों? क्योंकि लोग हर चीज़ का 2 मिनट में मुद्दा बना देते हैं। मैं चाहता नहीं दोबारा से ऐसा कोई मुद्दा क्रिएट हो और फिर ऐसी चीज़ों का सामना दोबारा से करना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर कुछ दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो शायद आप मुझे ना देख पाओ, बाकी सब लोगों को देख पाओगे पर शायद मुझे नहीं देख पाओगे, क्योंकि बहुत कुछ सह चुका हूँ इस 1 महीने में। बस और कुछ नहीं कह सकता।
और बहुत से लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या सवाल है मैं ज़रा देख लूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। बस यही प्यार आप लोगों का जो है, दोबारा जो मुझे आप देखोगे वो आप लोगों के प्यार की और सपोर्ट की वजह से देख पाओगे, नहीं तो मैंने तो सब चीज़ छोड़ ही दी थी कि आप कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्योंकि आजकल अगर कोई जेल से छूट कर आता है तो ऐसे देखते हैं कि जैसे कि कोई मर्डर करके आया हो, क्या बहुत बड़ा क्रिमिनल बन गया हो, इस तरीके से देखते हैं आप लोग। आपको बहुत से लोग हैं जो देख रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, रहकर आए हैं तो रहकर आए हैं, अब उसमें गलत थोड़ी है। जलते हैं आपसे सब बहन जो जी, नहीं जलते हैं तो प्यार भी बहुत करते हैं लोग यार, जलते हैं तो प्यार भी बहुत ही करते हैं लोग। ऐसे मान लीजिए अगर 95% लोग प्यार करते हैं तो 5% लोग जलते हैं, तो जलना भी ज़रूरी है, जभी तो कामयाबी की तरफ इंसान बढ़ता है। अगर आप को आपके जलने वाले नहीं होंगे तो तरक्की कैसे मिलेगी? तरक्की तो उसी से मिलती है कि आपसे कोई आपको और से भी बेहतर मज़ा अब आप देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो थी वो सब हो चुकी हैं। चलिए अपना ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बचकर रहिए कि पूरी तरीके से परख लीजिए लोगों को, फिर उनके साथ अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाइए। अपने जो आसपास के लोग होते हैं उनको परख लीजिए और फिर कोई भी चीज़ आगे बढ़ाइए। ठीक है भाई लोगों, चलिए चलता हूँ और काफ़ी 10:30 हो गए हैं और आधा घंटा हमारी इस बात ये बात रही, और आगे भी ऐसे ही कोशिश करेंगे, लाइव आते रहें और आप लोगों से जुड़े रहें और बात करते रहें। अगर किसी को अभी भी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्यों क्योंकि जो कुछ सहा है उस बीच में कुछ निकल ही जाता है मुझसे, क्योंकि इंसान एक गलतियों का पुतला है, गलती तो इंसान से ही होती है, कुछ कह नहीं सकते आप कब कौन सा वर्ड किसको किसका दिल दुखा जाए। तो टाइम टाइम पर बात के बाद माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ठीक है भाई लोगों, चलता हूँ और दुआओं में याद रखना। और ठीक है भाई लोग, ऐसे प्यार और सपोर्ट बरकरार रखिए और जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।